आज हम चॉकलेट मैंगो संदेश बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमको चाहिए हमारी बिस्किट, पनीर, बटर, मैंगो पीसेस किए हुए चॉकलेट गनाश, मेल्ट किया हुआ चॉकलेट, आलमंड, काजू और कुछ पिस्ता। और डेकोरेशन के लिए ये मैंने आम का फ्लावर बना के रखा है। अब मैंने एक बेस तैयार किया है, ये मारी बिस्किट और बटर का बेस बनाया है। दूसरा बेस है आलमंड, पनीर और शुगर का ये बेस बनाया है। और तीसरा बेस होगा चॉकलेट गनाश और फिर सबसे टॉपिंग में आएंगे मैंगो पीसेस। तो इस बेस के ऊपर मैं अभी मेल्टेड चॉकलेट जो किया है उसको डाल रही हूँ। इस मेल्ट की हुई चॉकलेट को बिस्किट और बटर के बेस पे फैला देना है इस तरीके से। और इसके ऊपर हम अभी अब इसके ऊपर मैं आलमंड और पनीर का जो मैंने मिक्सचर तैयार किया है इसमें शुगर डाली है और इसको मिक्सी में पीस के इसका एक तरीके से डो बना दिया, जो अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह से अंदर हम फैला लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आएगा चॉकलेट गनाश, जो बहुत ही टेस्टी होता है और संदेश के साथ इसका एक नया ट्राई किया है मैंने, जो बहुत अच्छा लगता है आपको। चॉकलेट गनाश की लेयर करने के बाद इसको मैंने डीप फ्रीज में रखा था, ये 5 मिनट के लिए रखा, ये जम चुका है। अब हम इस पे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, जिसमें मैं सबसे पहले पिस्ता डालूंगी। इसमें ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं आम के साथ। कुछ पिस्ता मैंने बचाए हैं जो आम के साथ मैं डालूंगी। अब ये काजू हैं जिनको मैंने थोड़े से घी में सेक के रखे हैं। इसमें मैंगो डालेंगे, मैंगो के पीसेस की लेयर होगी ऊपर। अब मैंने ये फाइनली ऊपर आम की लेयर बना दी है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें सभी लेयर क्लियर दिख रही हैं और जब आप इसे कटिंग करेंगे तो ये बहुत ही सुंदर दिखता है, अलग अलग लेयर्स में नजर आएगा। फिर फाइनल डेकोरेट करेंगे, जिसके लिए मैंने एक ये आम का एक फ्लावर बनाया है और बाकी हम पिस्ता ऊपर डाल रहे हैं। ये आपका तैयार हो गया है, ये हमारा तैयार हो गया है चॉकलेट मैंगो संदेश।